हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे Realme 3 Pro के आप कैसे अपनी वीडियोस और फोटोज़ को हाइड कर सकते हैं उस बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ओपन कीजिए अपनी गैलरी। इसमें आप किसी भी फ़ोटो और अपनी वीडियो को प्राइवेट में कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड के। ये Realme 3 का ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए किसी भी फ़ोटो को और वीडियो को, और यहाँ नीचे देखिए सेट एज ए प्राइवेट। एंड जैसे ही आप ऐसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो देख रहे हैं वो फ़ोटो जहाँ से चली गई है सीधी आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ में। और अगर आपको वो उस फ़ोटो को ओपन करना है तो आप जाइए अपने फ़ोन की सेटिंग में, और सेटिंग के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी के बाद आपको जाना है प्राइवेट सेफ। प्राइवेट सेफ में इसमें आपकी फ़ोटो और वीडियो है, बट जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे हो सकता है रिकॉर्डिंग ना हो। और जहाँ पे आपने अपना पिन दाखिल करना है, और अगर आपने फिंगरप्रिंट दाखिल कर रखा है तो फिंगरप्रिंट से भी आपके ये फ़ोटोज़ और वीडियोस खुल जाएंगे। सो प्राइवेट सेफ सेफ में जाना है, और मैंने फिंगरप्रिंट ऐड कर रखा है सो मैंने फिंगरप्रिंट करके इसे कर लिया। सो आप इसमें ऑडियो डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड आपको अगर इसको फ़ोटो को बाद में फिर से पब्लिक करना है तो जहाँ से पब्लिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।